हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। ये देखिए, मैंने सूरजमुखी का पौधा बीज से ग्रो किया है, जो बहुत ही हेल्थी प्लांट है और इसमें बहुत भी बड़ा सा फ्लावर आया है। आप भी अपने गार्डन में बीज से सनफ्लावर का प्लांट ग्रो कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे बीज सूरजमुखी के लिए थे, उसमें से दो प्लांट ग्रो हुए थे, लेकिन एक प्लांट मेरा टूट गया था। ये प्लांट मेरा अच्छे से ग्रोथ हो गया है और देखिए इसमें कितना बड़ा सा फ्लावर आया है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये समर का सबसे अच्छा फ्लावर है, ये आप भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जो अपने जिससे आपका गार्डन बहुत ही सुंदर दिखेगा। इसको समर में ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। सूरजमुखी का फ्लावर बीज से ही बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो जाता है। ये मैंने ग्रोथ से ही प्लांट ये मैंने बीज से ही ग्रोथ किया है। देखें कितना अच्छा सा मेरा फ्लावर इस समय खिल गया है और ये फूल ऐसे ही दो चार दिन तक रहेगा, फिर इसके बाद इसके बीज बन जाएंगे, जो मैं इसके बीज को कलेक्ट करके रख लूँगी और मैं इसे दोबारा ही इसको मैं ग्रो करूँगी और फिर से सूरजमुखी का नया प्लांट फिर से तैयार हो जाएगा। आज हमारे यहाँ बारिश हुई है और इस समय हवा भी बहुत तेज़ से चल रही है। इसमें देखें कितनी अच्छी शाइनिंग है, नेचुरल लुक आया है और बहुत ही अच्छे देखने में लग रहा है। ये मैंने बीज से ही ग्रो किया है, आप भी अपने गार्डन में इसे ज़रूर ऐड करें। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए, ये इतना बड़ा फ्लावर आया है, इसको मैंने इसके सहारे से लगा रखा है। ये एक तरफ झुक गया है क्योंकि फ्लावर का साइज़ बहुत ही बड़ा है, इसको मैंने सहारा दिया, सारा देके ही खड़ा किया है। बहुत मेरे गार्डन में इस समय इस फ्लावर से ज़्यादा सुंदर कोई फ्लावर नहीं है। मेरा समर का अच्छा सबसे बेस्ट फ्लावर यही है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।